नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ की और गर्मियों में जो सबकी पहली पसंद बन जाती है, गन्ने के रस की। अब आप लोग ये मत सोचना कि गन्ने के रस के ऊपर वीडियो बनाने की क्या बात है। गन्ने के रस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। अब ये सब तो हम लोग जानते हैं कि गन्ने का रस बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आमतौर पर ये लोग मान लेते हैं कि इसका GI इंडेक्स जो नंबर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर है, वो काफ़ी हाई होगा। लेकिन इसका जो GI इंडेक्स नंबर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर है, वो केवल 43 होता है। इसके अलावा गर्मियों का मौसम आ चुका है, आप अपने शहर के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे स्टॉल दिख जाएंगे जहाँ पर ये शुगर केन जूस, ये गन्ने का रस मिल रहा होगा। महाराष्ट्र में आपको जगह जगह पर बैल से, ट्रेडिशनल बैल के साथ ऐसी जूस निकालती हुई महिलाएँ पुरुष भी दिख जाएंगी, जो लोग इसे रसवंती भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग तो बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी वाकई कोई औषधीय गुण भी हैं या केवल हम इसको इसके स्वाद की वजह से या फिर गर्मियों में अपने शरीर को तो केवल ठंडक देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में मैं यही आपको छोटी सी कुछ जानकारी दूंगा जो आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। गन्ने का ये रस प्रकृति से तो गर्म होता है और देखने में सफ़ेद होता है जब ये ताज़ा ताज़ा निकला हो। अगर आप इसे बाद में रख लें तो फिर इसका रंग थोड़ा सा बदलने लगता है। मुझे अपने ही एक बचपन की बात याद आती है कि जब मैं छोटा था और मैं अपने पिता के साथ रहता, तो उनकी पोस्टिंग कहीं किसी शुगर फैक्ट्री में थी। हमारे पास गन्ने का रस प्लेंटी ऑफ आता था, तो पहली बार मैंने शायद 12-13 साल की उम्र में गन्ने के रस की खीर खाई। आप में से अभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इसकी खीर बनाता हो, खाता हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों के लिए भी ये शॉकिंग जानकारी हो सकती है। जब मैंने पहली बार गन्ने के रस की खीर खाई तो उसका स्वाद बड़ा बेतरतीब लगा, बड़ा अजीब सा लगा। एक दो बार के खाने के बाद मुझे वो अच्छी भी लगने लगी, लेकिन जब बाद में मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई करनी शुरू करी, तब समझ में आया कि गन्ने के खीर का इतनी वैल्यू क्यों है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनसे हमें कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उस दशा में हम क्या करते हैं, एक जड़ी बूटी के साथ एक दूसरी जड़ी बूटी का सहपान कर लेते हैं, जो पहली वाली के दोषों को कम कर दे या फिर हटा दे। तो गन्ने के रस के दोषों को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है दूध। अब इसी ट्रेडिशन को अगर आप फॉलो करें तो आप देखेंगे कि खीर बनाने के लिए आपको गन्ने का रस भी चाहिए, दूध भी। तो जब दूध को गन्ने के रस में मिला देते हैं तो उसके दोषों को ख़त्म कर देता है। और वो सारे लोग जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनमें ताकत नहीं है, थकान रहती है, उन लोगों को इसका प्रयोग कैसा करना चाहिए कि चावल को यदि इसमें इसके साथ मिला देते हैं तो देखेंगे कि वो आपके शरीर को बलिष्ठ बनाने का काम करता है। वापस वही जो मैंने 12-13 साल की उम्र में खाई थी, गन्ने के रस की खीर। आप में से कई लोग उसे आज भी खाते होंगे, लेकिन मुझे अब ये सौभाग्य नहीं मिल पाता कि मैं उसे दोबारा खा पाऊँ। तो आप में से जितने भी सारे लोग कमज़ोर हैं, जितना भी कुछ खाने पीने के बाद उनके शरीर को लगता नहीं है, बलिष्ठ नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को ये सीजन भी चल रहा है, गन्ने के रस की खीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बड़ा छोटा और बड़ा मामूली रोग है, लेकिन इसकी तकलीफ वही समझ पाएगा ये जिसे है। आयुर्वेद में तो जिसे कहा जाता है हिक्का रोग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हिकप्स, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हिचकी। एक दो बार हिचकी आए तो हम ये बोल के खुश हो जाते हैं कि कोई याद कर रहा है, लेकिन जब ये हिचकियाँ लगातार आती रहती हैं तब आप ये देखेंगे कि आपका कुछ बोल पाना, कुछ खा या पी पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस दशा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने के रस का। दो तरीके हैं, या तो आप एक काम कीजिए, आधा गिलास गन्ने का रस लीजिए, उसमें बिल्कुल बराबर मात्रा में पानी मिला दीजिए और उसे पी जाइए। यदि आप इस तरीके से गन्ने के रस में आधा गन्ने का रस आधा पानी मिला के लेंगे, हिचकियाँ बंद। अगर सीज़न नहीं है गन्ने के रस का और तब हिचकियाँ आ रही हैं, उस दशा में आप क्या कर सकते हैं, आप जानते होंगे गन्ने के रस का सिरका भी होता है। तो यदि आप एक गिलास पानी में 4-5 बूंद गन्ने के रस का जो सिरका होता है उसकी डाल के यदि वो पानी भी पी लेंगे, तब भी आप देखेंगे आपकी हिचकियाँ तुरंत बंद हो गई हैं। इसके साथ गर्मियों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और गर्मियों में एक समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पुरुषों में तो बहुत ज़्यादा, और वो होती है UTI की। UTI का मतलब यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, जो हमारी मूत्र नली होती है, उसमें तमाम किस्म के विकार पैदा हो जाते हैं। आपको बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन होगी, रुक रुक कर पेशाब आएगा, आपको नहीं लगेगा कि मैं अभी पेशाब करके आया था, लेकिन लगेगा अरे अभी तो वापस आ गया है। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है, आपके पथरी हो गई हैं उस दशा में भी, ये अगर सारी समस्याएं आपको हैं तो आपको गन्ने के रस का सेवन अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिन लोगों का पाचन भी यदि कमज़ोर रहता है, और गर्मियों में तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं तो हम उसे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आप खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद यदि गन्ने का रस भी पी लेते हैं तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है। तो गन्ने का रस ये सारे काम तो करता ही है, गर्मी में हमें लू भी लगती है तो हमारे शरीर को ठंडक देने का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। तो इतने सारे फ़ायदों के लिए तो आप इसका प्रयोग कर ही सकते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या, वो कौन से लोग हैं जिन्हें इनका प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले वो जिनको सिर दर्द की शिकायत हो रही हो। ये गन्ने का रस सर दर्द को ट्रिगर करने का काम करता है, मतलब उकसाने का काम करता है, उसके लिए एक स्ट्यूमुलस जैसा काम करता है। तो वो लोग जिनको सर दर्द की शिकायत है वो इसे ना लें। दूसरा, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उन लोगों को ये नहीं लेना है। आप शुगर पेशेंट हैं तब भी आपको ये नहीं लेना है। इसके साथ में यदि हालिया टाइम में आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तब आप इसका सेवन ना करें। और यदि आप पहले से ही थोड़े मोटे हैं, आप थोड़ा ओबेसिटी से लड़ रहे हैं, तब भी आपको गन्ने का रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मोटे तौर पर अगर आप कमज़ोर हैं, आपको हिचकियों की परेशानी है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, शरीर को बलिष्ठ बनाना है, ताकतवर बनाना है, तब इन सारे तरीक़ों से आप इसका प्रयोग कीजिए। दोस्तों, गन्ने का रस मिल तो हर नुक्कड़ पर रहा है, लेकिन इसको अगर आपको सही फ़ायदे पता हैं, इसके प्रयोग का सही तरीका है, तो आप इससे औषधीय गुण भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तो पूरी पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहीं शेयर कीजिए, और आजकल तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपका कोई जानकार है उसके साथ आप इसे शेयर कीजिए, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। धन्यवाद।